वो सब गाइस अजय हियर। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वन प्लस सेवन टी के बारे में। तो फाइनली यार वन प्लस सेवन टी भी इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, और ऐसे में यार इसकी अपकमिंग इवेंट डेट जो है वो लॉन्च हो गई है, मतलब 26 सितंबर 2019 को यार ये इवेंट मतलब जो है लॉन्च होगा। मतलब वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यार क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपको वन प्लस सेवन टी में देखने को मिल जाते हैं, और आपको प्राइस बताई जाएगी। बाद में यार ये वाला फोन जो है आपको अमेजन पे सेल होने को मिलेगा कुछ दिनों बाद ही। सो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि यार वन प्लस सेवन टी में हमें क्या खास देखने को मिल रहा है, क्योंकि यार वन प्लस सेवन जब 5-6 या 4 महीने पहले जो लॉन्च हुआ था तो उसमें बहुत सारे मस्त स्पेसिफिकेशंस हमें वन प्लस सेवन ने दिए, मतलब वन प्लस वालों ने सेवन में दिए थे। सो आज इस वीडियो में बात करते हैं यार सेवन टी में हमें क्या खास देखने को मिल जाता है, क्योंकि यार हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है क्योंकि ये सक्सेसर है वन प्लस सेवन का। सो आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यार क्या क्या जो है इसके मेन पॉइंट्स हैं, मतलब क्या क्या आपको फीचर्स बेसिकली वन प्लस सेवन टी में देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यार मैं कवर करूंगा इसके डिस्प्ले की। तो यार यहाँ पे जो मेरे को वन प्लस ने बहुत ही अच्छी डिस्प्ले हमें दे रखी है, मतलब 90Hz की डिस्प्ले आपको वन प्लस सेवन टी में देखने को मिल जाती है, जो कि आपको वन प्लस सेवन प्रो में देखने को मिलती थी। मतलब 50,000 के फोन में आपको 90Hz की डिस्प्ले देखने को मिलती थी, अब वही फोन आपको 33,000-34,000 रुपए में देखने को मिलेगी। तो यार ये चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा सही लगती है। 90Hz का मतलब है कि यार 90Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी गेम्स खेल रहे हो, कोई भी कंटेंट देख रहे हो, तो आपको एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी बेसिकली आपकी स्क्रीन को बेसिकली मतलब आपकी जो स्क्रीन है प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ मेरे को वन प्लस सेवन की तरफ से बहुत ही अच्छा लगा। साथ में आपको 6.5 इंच की जो है HD+ OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इन्होंने बहुत ही मतलब मस्त कर रखा है। नेक्स्ट जो है स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि इसमें आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिलता है। वन प्लस सेवन में हमें 855 का स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पे जो है आपको 855+ का स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिल सकता है, जो कि 15% फास्टर होगा एज़ कम्पेयर टू GUI। मतलब यहाँ पे 855 जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है वो आपको वन प्लस सेवन टी में देखने को मिल रहा है, जो कि आपको वन प्लस सेवन प्रो में देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट या चलो यार बात करते हैं नेक्स्ट इसके अपडेट के बारे में कि क्या नया अपडेट बेसिकली हमें वन प्लस सेवन टी में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है ट्रिपल कैमरा स्लॉट जो है बेसिकली हमें मतलब प्रोवाइड कर दिया, मतलब एक गोल सा आप देख सकते हो, मतलब पीछे का जो इन्होंने डिज़ाइन किया एकदम सर्कल की तरह किया, जैसे मोटो अपने फोन्स में करती थी लाइक मोटो G4+ एंड ऐसे कुछ फोन्स में बेसिकली करती, तो वैसा ही सेम मतलब मोटो C2 वैसे वाले फोन थे, तो वैसा ही सेम डिज़ाइन यहाँ पे वन प्लस सेवन टी में देखने को मिल जाता है। मतलब आपके गोल कैमरा होगा, गोल कैमरे के अंदर आपको 3 जो है सेंसर देखने को मिलेंगे। जो पहला होगा 48 मेगापिक्सल का सेंसर होगा, दूसरा होगा जो 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होगा, और जो तीसरा लेंस होने वाला है वो आपको होने वाला है 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा लेंस। तो ये तीनों चीज़ें जो है बेसिकली हमें पीछे के मतलब जो है वन प्लस सेवन टी में देखने को मिल जाएगी कैमरा डिपार्टमेंट में। और नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट मेरे को देखने को मिल रहा है बैटरी में। जो वन प्लस सेवन टी की बैटरी होने वाली है वो होने वाली 4100mAh की बैटरी, जिसमें आपको 30W का सुपर रैप चार्जर देखने को मिल जाता है। तो यार ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि यार वन प्लस सेवन प्रो में हमें रैप चार्जर देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे यार वन प्लस सेवन टी में इन्होंने हमें रैप चार्जर पकड़ा दिया, तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ में 4100mAh की बैटरी इन्होंने दे रखी है, तो यार वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 90Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले को हैंडल करने के लिए यार ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी बेसिकली हमें चाहिए ही चाहिए। इसलिए हमें वन प्लस ने मतलब वन प्लस सेवन टी में 4100mAh की बैटरी बेसिकली देखने को मिलती है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे हमें एंड्रॉइड क्यू का सपोर्ट भी बेसिकली डायरेक्टली देखने को मिल सकता है, जो कि स्टेबल होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। नया वर्जन होगा, नया सॉफ्टवेयर बेसिकली देखने को हमें इसमें मिल सकता है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ यार इसके यहाँ पे प्राइस के बारे में कि यार वन प्लस सेवन टी की कॉस्ट क्या होने वाली है। देखो यार वन प्लस सेवन की अगर मैं बात करूँ तो वन प्लस सेवन जब लॉन्च हुआ था वो लॉन्च हुआ था 33,000 रुपये में, मतलब जो उसका मिनिमम वेरियंट था 6GB 128GB। तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है कि वन प्लस सेवन टी जो लॉन्च होगा वो लॉन्च होगा आपका 34,000 या 35,000 रुपये के अंदर, जो कि होगा 6GB RAM एंड 128GB स्टोरेज, और उसके आगे जितनी भी मतलब वेरियंट बढ़ेगा और जैसे जैसे प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये थी वीडियो यार कुछ वन प्लस सेवन टी के बारे में, बहुत ही अच्छा फोन यार ये लोग जो है निकालने वाले हैं, मतलब वन प्लस सेवन के रेट जो है डाउन होने वाले हैं, क्योंकि यार वन प्लस की एक स्ट्रैटेजी है कि मतलब जितने भी नए फोन जो निकालती है और पुराने के रेट डाउन करके उसे एब्सोल्यूट कर देती है। तो यार ये थी वीडियो वन प्लस सेवन टी के बारे में, प्रो का भी मैं नहीं बताने वाला, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा प्रो की भी। तो ये थी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, बहुत ही मस्त स्पेसिफिकेशन के साथ ये जो है 70 लॉन्च होने वाला है इंडिया में। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक बेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और हैव अ नाइस डे।